वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा लेडीज़ कार्डिगन का डिज़ाइन लेके आई हूँ। लेडीज़ और गर्ल्स के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन हमारा बन के आया है। 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है। जब भी आप इस डिज़ाइन के लिए फंदे डालें तो 15 के हिसाब से फंदे डाल के और 4 फंदे प्लस कीजिएगा। जैसे 15 फंदे गिनिएगा, फिर से 15, फिर से 15, फिर से 15, फिर से 15, लास्ट में आपके 4 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। 15+4 के मल्टीपल फंदे डाल के आप इस डिज़ाइन को बना लीजिएगा। इसके अंदर मैंने डिजाइनर फंदे डाले हैं। बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन बना है। लेडीज़ और गर्ल्स के ऑल प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं। आप इसको बॉर्डर के लिए अप्लाई करें तो सिर्फ आप इसको इतना डिजाइन ये बना लीजिएगा, और पूरे कार्डिगन में डालें तो जैसे मैंने बटन पट्टी के साथ इसको एडजस्ट किया है, ऐसे ही बटन पट्टी के साथ बुन के इस पूरे डिजाइन को आप पूरे कार्डिगन में लेडीज और गर्ल्स के डाल सकते हैं। तो इस डिजाइन को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। बॉर्डर बनाइए या स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट में डालिए। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करेंगे। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल वर्धमान वाली वूल ली है और 10 नंबर की मैंने ये निडल ली है। 10 नंबर की सिलाई से बुनेंगे। नॉर्मल वर्धमान वाली वूल है तो फंदे डालेंगे इस तरह से, धागा डबल करेंगे, डबल धागा करके ऐसे नोट लगाएंगे इस तरह से, नोट लगा के ऐसे फंदा बना लेंगे। सिलाई में फंदे को डाल लेंगे इस तरह से। अब देखिए फंदे डालेंगे तो फंदे हम डिजाइनर डालेंगे, 15 के मल्टीपल फंदे डाल के और 4 फंदे प्लस करेंगे, तो 15 और 15 30 और 4 34 फंदे हम डालेंगे 34। तो देखिए किस तरह से डालेंगे डिजाइनर फंदे, बहुत ही आसान तरीके से ऐसे करेंगे, यहाँ से लेंगे और सिंगल का फंदा ऐसे बनाएंगे। एक फंदा हमने बना लिया, जब दूसरा फंदा बनाएंगे तो यहाँ से ऐसे करेंगे, अंदर की तरफ से लेंगे इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए एक बार धागा ऐसे करेंगे अंगूठे के ऊपर से, यहाँ से लेंगे सिंगल का फंदा बना लेंगे, दूसरी बार ऐसे अंदर की तरफ से धागा लेंगे यहाँ से और सिंगल का फंदा बनाएंगे, एक बार हम यहाँ से धागा लेंगे इस तरह फंदा बनाएंगे, दूसरा फंदा बनाएंगे जब ऐसे यहाँ से लेंगे ऐसे डाल लेंगे, एक बार यहाँ से, एक बार अंगूठे के अंदर की तरफ धागा करेंगे ऐसे, यहाँ से फंदा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 34 फंदे ऐसे जोड़े जोड़े के हिसाब से फंदे डालेंगे तो 34 फंदे डाल लेंगे, 15 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे। तो ये फंदे मैंने डाल लिए हैं, 34 फंदे डाले हैं, 15 फिर से 15 और 4 फंदे प्लस किए हैं। ये सीधी साइड है, इस तरह से आपको नजर आएगा, उल्टी तरफ से एक सिलाई पूरी उल्टे उल्टे बना लेंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ करते हुए एक सिलाई को हम पूरी को उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह से धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लीजिए। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ, राइट साइड। 6 सिलाइयों का डिजाइन है, फर्स्ट रो से ही डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। अब ये राइट साइड है, फर्स्ट रो है, यहाँ से उल्टी तरफ से हमने एक सिलाई उल्टी उल्टी बुनी है, यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट फंदा है, इसको आप उतारिए या आप बनाइए, तो इसको सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे, जो ये धागा नजर आएगा इसके अंदर सिलाई डाल लेंगे, ऐसे फंदा बुन लेंगे इस तरह से, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर धागा अपनी तरफ, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर देखिए तीन फंदे लेंगे और तीन फंदों में सिलाई डाल लेंगे इस तरह से,
तीन फंदों में सिलाई डाल के तीन का एक फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे, ये फंद जाली ये धागा नजर आएगा, इसके अंदर सिलाई डाल लेंगे और इस तरह से फंदा बना लेंगे। तो देखिए जो यहाँ पर तीन का एक फंदा किया है तो दो फंदे कम हुए हैं, एक फंदा हमने ये लास्ट में बढ़ाया है, एक फंदा ये दो फंदे उल्टे बुनने के बाद में बढ़ाया था, तो टोटल 15 फंदे हैं। एच स्टिच को छोड़ के देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 1 15, 15 फंदे हैं। एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं 15 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, फिर से फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ सिलाई डाल लेंगे, इस तरह फंदा बढ़ा लेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर तीन का एक बनाएंगे, तीन फंदों में ऐसे सिलाई डाल लेंगे और तीन का एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब देखिए यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे तो यहाँ ये जो धागा नजर आएगा इसके अंदर सिलाई डाल लेंगे, ऐसे बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 15 फंदों का दूसरा रिपीट कंप्लीट हुआ। लास्ट में आपके पास तीन फंदे होंगे तो दो फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, एच स्टिच फंदा सीधा। अब आ जाइए सेकेंड रो उल्टी तरफ, तो यहाँ से देखिए जो फंदे यहाँ से सीधे हैं वो बैक साइड से उल्टे बनेंगे, जो यहाँ से उल्टे हैं वो सीधे बनेंगे। तो दूसरी सिलाई है, यहाँ पर जो फंदा जैसा आपको नजर आए वैसा ही आप बुन लीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, अब ये चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, धागा पीछे, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ, तीन तीन सीधे, फिर ये चार और ये पांच, ये पांच फंदे सीधी तरफ से उल्टे थे, यहां से सीधे बनेंगे, धागा अपनी तरफ, अब फिर से चार फंदे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ, फिर से चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, धागा पीछे करेंगे, फिर से देखिए, एक दो तीन चार पाँच, धागा अपनी तरफ, फिर से चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, धागा पीछे, फिर से दो फंदे सीधे, उल्टी तरफ से जो फंदा जैसा दिखाई देगा उसको वैसा ही बुन लेंगे। तो सेकंड रो बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए थर्ड रो, तीसरी सिलाई सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट फंदा बुनेंगे सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, अब फिर देखिए यहाँ से फिर से फंदा बढ़ाएंगे, इसके अंदर सिलाई डाल लेंगे, फंदा बुन लेंगे। अब आगे हमारे पास चार फंदे सीधे हैं तो ये चार फंदे सीधे बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, अब देखिए यहाँ पर पांच फंदे उल्टे हैं, बीच में तीन का एक है, दोनों तरफ उल्टे फंदे हैं, तो अब की बार यहाँ पर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर तीन का एक करेंगे, तीन फंदों में सिलाई डाल लेंगे और तीन का एक फंदा बना लेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब चार फंदे सीधे हैं तो चार फंदे सीधे बुनेंगे, दो तीन चार, अब फिर से फंदा बढ़ाएंगे तो इसके अंदर सिलाई डाल लेंगे और फंदा बुन लेंगे ऐसे,
तो एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं 15 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। दो उल्टे, एक बढ़ाएंगे, चार सीधे बुनेंगे, फिर एक उल्टा, तीन का एक, एक उल्टा, चार सीधे, एक बढ़ाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे करेंगे, फिर से फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, धागा अपनी तरफ, अब एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे लेंगे, तीन के अंदर सिलाई डाल लेंगे, ऐसे तीन का एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, लास्ट का फंदा सीधा। तो तीन सिलाइयाँ डिजाइन की बन गई। अब आ जाइए सीधी उल्टी तरफ, चौथी सिलाई, जो फंदा यहाँ पर आपको जैसा दिखाई देगा वैसा ही बुनते जाएंगे, उल्टा है उल्टा बनाएंगे, सीधा है सीधा बनाएंगे, ऐसे ही बनाते हुए इस रो को पूरा। चार सिलाई डिजाइन की बन गई, चौथी सिलाई को जो फंदा जैसा दिखाई दिया वैसा ही बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ, पांचवी सिलाई, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, अब दो फंदे उल्टे। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसको आप बॉर्डर के लिए अप्लाई कीजिए और आप इसको पूरे स्वेटर कार्डिगन में डाल लीजिए। दो फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से यहाँ से इस धागे के अंदर सिलाई डाल लेंगे, फंदा बढ़ा लेंगे। अब आगे हमारे पास पांच फंदे सीधे हैं, तो एक दो तीन चार पांच, धागा अपनी तरफ, अब देखिए यहाँ बीच में तीन फंदे उल्टे हैं, बीच वाला फंदा तीन का एक है, दोनों तरफ एक एक फंदा उल्टा है, तो तीन के अंदर सिलाई डाल लेंगे, ऐसे तीन का एक फंदा उल्टा बनाएंगे इस तरह से, धागा पीछे। अब ये पांच फंदे सीधे हैं, तो इन पांच फंदों को सीधा बुन लेंगे, दो तीन चार पांच। अब यहाँ पर फंदा फिर से बढ़ाएंगे, इसके अंदर सिलाई डाल लेंगे और फंदा बुन लेंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ। अब देखिए एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं 15 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे, तो दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, अब यहाँ से फिर से फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, फिर ये पांच फंदे सीधे हैं, एक दो तीन चार पांच, धागा अपनी तरफ, धागा अपनी तरफ, तीन फंदों का एक फंदा बुन लेंगे, तीन का एक उल्टा फंदा बनाएंगे ऐसे, धागा पीछे, एक दो तीन चार पांच। अब यहां पर फंदा फिर से बढ़ाएंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ, लास्ट के दो फंदे उल्टे, एच स्टिच फंदा सीधा। तो पांच लाइया डिजाइन की बन के कंप्लीट हुई और डिजाइन इस तरह से बन के आया। उल्टी तरफ से देखिए, जो फंदा जैसा है उसको वैसा ही बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, थोड़ा सा बनने के बाद अलग से फंदे नजर आएंगे, दो सीधे, धागा अपनी तरफ। अब देखिए छह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर छह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छ, धागा पीछे, फिर से दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ, फिर से छह फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा, ये छह फंदे उल्टे। धागा पीछे, दो फंदे सीधे,
लास्ट का फंदा उल्टा। तो छह सिलाइयों का डिजाइन था, छह सिलाइयां बन के कंप्लीट हुई और डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आ गया। इन्हीं छह सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपका बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डिजाइन बन के आ जाएगा। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से फिर से बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमने बॉर्डर के बाद सीधी तरफ से फर्स्ट रो बुनी थी उसी सिलाई को फिर से बनाएंगे। तो फर्स्ट फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ध्यान दीजिएगा दोबारा से स्टार्ट हो चुका है डिजाइन, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे, सेम वही बुनेंगे जो हमने फर्स्ट रो बुनी थी। फंदा बढ़ाया, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो। अब तीन का एक फंदा बनाएंगे, तीन का एक, फिर दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब फिर से फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे, तो देखिए एच स्टिच को छोड़ के 15 फंदों का डिजाइन है। दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर तीन का एक करेंगे ऐसे, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर फंदा बढ़ाएंगे। तो दो रिपीट हमारे यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक 15 फंदों का दूसरा रिपीट कंप्लीट हुआ। धागा अपनी तरफ, लास्ट में दो फंदे उल्टे और एच स्टिच फंदा सीधा। तो देखिए जो फर्स्ट रो मैंने यहाँ से बनानी शुरू की थी वही डिजाइन मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया। उल्टी तरफ से जो फंदा जैसा दिखाई देगा, जो यहाँ से सीधा है यहाँ से उल्टा बनेगा, सीधी तरफ से उल्टा है उल्टी तरफ से सीधा बनेगा। सेम ऐसे ही जैसे छह सिलाइयाँ नीचे बुनी हैं इसी तरह से आप इन छह सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डिजाइन आपका बन जाएगा। अगर आपको डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।